Hello guys, welcome to the course of operating system. Today our topic of discussion is disk scheduling algorithm, and specifically we are going to start with the algorithms and their numericals, how to solve the numericals. So disk scheduling के बारे में हम इसके पहले वीडियो लेक्चर में देखा है, उसके बेसिक टर्म्स भी हमने देखे थे कि disk scheduling क्या है, क्या उसके पर्पज है, क्या इश्यूज है. तो थोड़ी सी डेफिनेशन उसके हम रिकॉल कर लेते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द डिस्क एक्सेस फॉर अ सेट ऑफ रिक्वेस्ट वेटिंग और पेंडिंग इन द रिक्वेस्ट क्यू इन अ सिक्वेंशियल मैनर. Various algorithms are proposed which consider different criterias while providing the disk access to the request. मतलब एक डिस्क के ऊपर जो ट्रैक्स है, ट्रैक्स या सेक्टर्स है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आई है किसी यूजर के थ्रू या किसी ओएस के थ्रू या किसी के थ्रू, तो जो कहीं ना कहीं एक क्यू में या पेंडिंग क्यू में स्टोर्ड है, तो उनको कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट उन रिक्वेस्ट को कहीं ना कहीं सर्विस देने का काम जो करने वाला है वो कौन करने वाला है? डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स करने वाले हैं. उसके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज है, उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज है, तो उसके एल्गोरिदम्स है. मान के चलिए कि हमारे पास ये जो आदमी दिख रहे हैं यहाँ पर, जो कुछ लोग हैं, ये कुछ एक क्यू में खड़े हैं, और इसको इन सभी लोगों को भी कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ ना कुछ सर्विस मिलनी है. तो ये जो सर्विस मिलनी है तो किस बेसिस पर मिलेंगी? तो सबसे पहले एल्गोरिदम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सबसे पहले आया उसको रिक्वेस्ट किया जाए. उसके बाद दूसरा एल्गोरिदम है SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, जिस किसी का भी शॉर्टेस्ट सीक टाइम है उसको दिया जाए. उसके बाद है स्कैन एल्गोरिदम, उसके बाद है सी स्कैन, उसके बाद लुक है, और उसके बाद सी लुक है. तो ये जो छह एल्गोरिदम्स है उसके छह सेपरेट वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे. तो इस वीडियो लेक्चर में हम कहीं ना कहीं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में जानने वाले. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग गाइस. तो सबसे पहले यहाँ पर इन दिस इज व्हाट वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग विच सर्व द रिक्वेस्ट इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर. मतलब क्या कि ये बहुत ही सिंपलेस्ट और इजी है एल्गोरिदम, जो कि पेंडिंग क्यू में जो रिक्वेस्ट सेव्ड है, जिस सीक्वेंस में वो आए उसी सीक्वेंस में कहीं ना कहीं उसको सर्व करने वाला, मतलब फर्स्ट कम, जो पहले आया उसको पहले, जो बाद में आया उसको बाद में, इस सीक्वेंस में कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने वाला. दिस एल्गोरिदम इज इंट्रिंसिकली फेयर बट डज नॉट प्रोवाइड द फास्ट एक्सेस. मतलब ये फास्ट सर्विस देने के लिए कहीं ना कहीं असमर्थ है, पर ये फेयर है. बट मतलब क्या कि पहले जो आए उसको अलाउ किया जाए, उसके बाद जो दूसरा है उसके बाद उसको दूसरा अलाउ किया जाए. तो इस मामले में ये कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन ये फास्ट सर्विस नहीं दे रहा. एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि डिस्क शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या दिया जाएगा आपको. बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे, हमने यहाँ पर एक वेरिएशन दिया है. उसके बाद को जो एक लेक्चर लेंगे उसमें हम और वेरिएशन देखने की कोशिश करेंगे. द डिस्क क्यू विद द रिक्वेस्ट फॉर आईओ टू द ब्लॉक ऑन द सिलेंडर इन ऑर्डर. मतलब क्या कि सिलेंडर के ऊपर जो ब्लॉक्स या ट्रैक्स हमारे पास अवेलेबल है उनके लिए कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट आई है. रिक्वेस्ट ऐसी है 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67, और उसमें बताया गया कि इफ द डिस्क हेड इज इनिशियली एट द सिलेंडर नंबर 53, मतलब 53 वो सिलेंडर के ऊपर या ट्रैक के ऊपर है, और उसमें टोटल ट्रैक भी दी गई है या सिलेंडर दिया गया है वो है 200. अगर ये टोटल सिलेंडर अगर दिया नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें राउंड अप करके उसको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देख के उसको लिखना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है 183, तो हमें 200 तक लेना पड़ेगा, 0 से लेकर 199 तक. और उसके बाद पूछा गया देन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड सीक टाइम, मतलब टोटल हेड मूवमेंट हमें यहाँ पर निकालनी. तो आपको ऐसा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल यहाँ पर है. आपको और दो टाइप के न्यूमेरिकल है, एक दो अलग सिनेरियो से पूछा गया है, उसको भी हम कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करेंगे बाद. लेकिन ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसमें पेंडिंग रिक्वेस्ट है, मतलब रिक्वेस्ट है, करंट हेड कहाँ पर वो दिया गया है, टोटल सिलेंडर का साइज दिया हुआ है, और कैलकुलेट करने को बोला है. तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है? सबसे पहले गाइस हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो रिक्वेस्ट है इन रिक्वेस्ट को एक सिलेंडर के ऊपर अभी यहाँ पर हमें प्लॉट करने हैं. तो यहाँ पर हम सर्कुलर फैशन में नहीं जाएंगे. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर ली. ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है. ड्रॉ करने के बाद हमें देखना है कि सबसे पहले कितना साइज है टोटल. तो साइज है टोटल हमारे पास 200 का. तो 200 का है तो यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं, हम 0 से लेकर 199 तक हमने इसको प्लॉट कर लिया. ओके, और उसके बाद जो जो रिक्वेस्ट है हमारे पास आए हैं, इन रिक्वेस्ट को कहीं ना कहीं हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके इस सिलेंडर के ऊपर प्लॉट कर दिया. तो देखिए यहाँ पे 98, 183 ऐसे रैंडमली यहाँ पर आए हैं, तो उसको हमने क्या कर दिया, छोटे से बड़े से लेकर, मतलब 14 हो गया, 37 हो गया, फिर 53 हो गया, 65 हो गया, 67, ये सभी को हमने प्लॉट कर लिया. तो आपको भी वही करना है कि एक हमने लाइन ड्रॉ करने के बाद सिलेंडर के ऊपर 0 से लेकर जो मैक्सिमम साइज है उसके ऊपर जितने सारे रिक्वेस्ट आई है उनको यहाँ पर मार्क करके प्लॉट करना है. यहाँ पर हमने ये कर दिया. ये इजी आपको सबसे पहली स्टेप. अब ये सब करने के बाद
जो इन्फॉर्मेशन दी गई एग्जाम्पल में, जैसे कलन सिलेंडर है 53, 53 को भी मार्क करना है सिलेंडर के ऊपर, क्योंकि हमारे पास दिया गया है कि करंट हेड हमारा जो है अभी करंटली वो 53 ट्रैक के ऊपर है, तो ये भी हमें वहां पर मार्क करना है। ये गिवन नहीं होगा इस रिक्वेस्ट में, ये गिवन नहीं है इस रिक्वेस्ट में, लेकिन हमारे पास बेस पॉइंट जो बनने वाला है, बेस पॉइंट क्या है, 53 एज अ बेस पॉइंट बनने वाला। ये जैसे ही दिया जाएगा तो अभी क्या करेंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम लगाते हैं। तो इस एल्गोरिदम के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या है हमारा, हियर इट विल फर्स्ट मूव फ्रॉम द 53 टू द 98, बिकॉज 98 इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट, देन टू द 183, देन 137, देन 122, देन 14, 124, 65 एंड फाइनली इट इज द 67। अभी मतलब ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 53 मेरा सबसे पहला इनिशियल करंट हेड है, 53 से हमें देखना पड़ेगा। नाउ चेक, चेक किसके थ्रू करना है, पेंडिंग रिक्वेस्ट के थ्रू करना है। तो पेंडिंग रिक्वेस्ट देखो कहाँ पे, क्यू में है, रिक्वेस्ट क्यू में है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसको आई है, 98 को आई है। तो हम क्या करेंगे, 53 से हम जाएंगे 98 में, यहाँ तक हमने रिक्वेस्ट को सेंड कर सर्व कर दिया, मतलब क्या कि मेरा जो रीडेड हेड है 53 ट्रैक के ऊपर से 98 ट्रैक के ऊपर चला गया। हमें कैलकुलेशन करने तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, अभी 98 माइनस 53, ये पहला कैलकुलेशन रहेगा, ऐसे कैलकुलेशन करने हैं। उसके बाद और एडिशन करके जानी है, उसके बाद क्या रहेगा, 98 पहला है, 98 तक हमारा करंट हेड है, उसके बाद 98 बाद किसकी रिक्वेस्ट आई है, 183, सो द हेड विल मूव टू द 183, 183 को हमने सर्व कर दिया। 183 के बाद रिक्वेस्ट किसकी आई है, 37, तो 37 के लिए आए हम, देखो तो यहाँ पर 37 तक आए। 37 के बाद रिक्वेस्ट किसकी है, 122, तो 123 की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट हम सिक्वेंसली ले रहे जिस ऑर्डर में आए हैं वो। 122 के बाद किसको आया है, 14 की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, हम 14 के ऊपर आएंगे, कैलकुलेशन हम देखने वाले हैं, कैलकुलेशन हम देखते हैं अभी इमीजिएटली। उसके बाद 124 के लिए रिक्वेस्ट आई है, देखो यहाँ पर इमीजिएटली 122 पे थे तो 124 को भी अप्लाई कर सकते, लेकिन ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है, जो पहले आया उसको अलाउ करना है, डजंट मैटर कि कब कितनी प्रायोरिटी क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जब से पहले जो आया उसको हमें रिक्वेस्ट देनी है। उसके बाद 124 के बाद हम जाएंगे 65 के ऊपर, और 65 के बाद लास्ट में 67 के ऊपर जाएंगे, हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो इस फैशन में हमें कहीं ना कहीं जिगजैग करना है, मतलब क्या। और एक दूसरी चीज यहाँ पर, कब जब कभी भी हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये जो लाइन है आपको एकदम हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं करना है, ये थोड़ी सी टिल्ड होना जरूरी है, ये टिल्ड होना जरूरी है, सो दैट वी कैन एनालाइज कि हम कुछ ना कुछ मूव कर रहे हैं, जिगजैग हम यहाँ पर दिखा रहे पैटर्न में। ये आपको डिशेडलिंग में ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये एक बेसिक चीज। अभी इसके बारे में अभी देखते हैं कैलकुलेशंस क्या क्या है। कैलकुलेशन क्या क्या है, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऐसे है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि टोटल हेड मूवमेंट और सीक टाइम निकालना है फर्स्ट कम सर के हिसाब से। तो देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कहाँ पर थे, 53 के ऊपर, तो 53 के ऊपर हम जब यहाँ पर थे तो हमने 53 को पकड़ा था, उसके बाद कहाँ पे चले गए, 98 की तरफ चले गए, तो हमने पहला कैलकुलेशन डाला है 98 माइनस 53। ये छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा माइनस कर सकते कुछ नहीं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट मॉड है तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ओके। उसके बाद 98 के बाद देखो, 98 के बाद हम पहुंचे थे 183 के ऊपर, तो 183 हमने माइनस करवा दिया, ओके। उसके बाद 183 माइनस 37, यहाँ 37 पे आए, ये माइनस करवा दिया। तो ऐसे ही सारे कैलकुलेशन हम यहाँ पर करने हैं, और ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कौन सा है कि जो चीजें हमने अभी माइनस करवाई है एब्सोल्यूट मॉड से, वो एक हमारे पास यहाँ पर है, जो कि 45, 85, 146, ये सारी वैल्यूज आई है। तो उसका फाइनल जो टोटल हेड मूवमेंट है इस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से वो है 640 हमारे पास टाइम लगा। तो हेड मूवमेंट हमारे पास जो सीख, मतलब क्या कि रेड राइट हेड जो मूव हुआ है वो 640 टाइम्स इस पर्टिकुलर डिस्क के ऊपर मूव हुआ है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है। इसके कुछ एडवांटेजेस है गाइस। एडवांटेज नंबर वन, इट इज अ वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज इजी टू इंप्लीमेंट। मतलब ये जो एल्गोरिथम है इट इज वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू इंप्लीमेंट। मतलब हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिस ऑर्डर में जो आया है उसी ऑर्डर में कहीं ना कहीं हमें उसको सॉल्व करना है। दूसरा एडवांटेज, इट डज नॉट कॉज द स्टारवेशन ऑफ एनी रिक्वेस्ट। मतलब ये स्टारवेशन प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज हमने सिक्वेंस पहले से तय कर लिया है, क्या है कि पहले जो आया है उसको हमें सर्विस देनी है। तो कोई भी यहाँ पर लॉन्गर टाइम तक वेट नहीं करेंगे, करेंगे तो क्यों करेंगे, क्योंकि वो लास्ट आया है। सो अल्टीमेटली लास्ट आया तो उसको लास्ट नंबर ही लगेगा, तो इसके एडवांटेजेस है। उसके बाद उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, जिसमें है इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल सिक टाइम। ये टोटल सिक टाइम जो है 640 जो आया है ये बहुत ही ज्यादा है,
अगर यही एल्गोरिदम, यही न्यूमेरिकल हम उसके दूसरे एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे तो उनका टोटल सीक टाइम जो लगेगा वो कम आएगा, यहाँ पर 640 टाइम हमें वेट करना पड़ रहा है टोटल। तो ये यहाँ पर छोटा सीक टाइम जो है ज्यादा रहेगा, लेकिन हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव था सीक टाइम कम करना है शेड्यूलिंग का, तो हम उसके बाकी के जो एल्गोरिदम से उसमें सीक टाइम कम होता है। और उसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज है, इट इज इनएफिशिएंट एंड स्लो सर्विस। सर्विस के मामले में कहीं ना कहीं ये स्लो है, क्योंकि जिस ऑर्डर में जो आए उसी ऑर्डर में उस सर्विस अप्लाई करते जाएंगा तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा स्लो रहेगा। तो ये हो गया पूरा हमारा जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से कैलकुलेशंस गाइस। तो आपको क्या करना है, एल्गोरिदम में जो गिवन है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल को पढ़ना है, उसमें से पेंडिंग रिक्वेस्ट को निकालना है, उसमें से करंट हेड वहां पे दिया हुआ है वो जानना है, उसके बाद उसको प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में सारे जो ट्रैक्स है वहां पर इस सिलेंडर के ऊपर, और स्टार्टिंग पॉइंट को हमें मेंशन करना ना भूलना, ये मेंशन करना है जैसे 53 हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके बाद हमें कैलकुलेशंस आएंगे और एक एक चीजों को कहीं ना कहीं जहां से हेड मूव हुआ उसको माइनस करते करते हमें टोटल सीक टाइम वहां पर निकालना है। आई होप गाइस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिस इज वेरी वेरी सिंपल एल्गोरिदम। हमें सिर्फ आगे के एल्गोरिदम में कोई ना कोई ध्यान देखना पड़ेगा कि क्या क्या करना है। तो ये सिंपल से कैलकुलेशन है गाइस, आई होप क्या आपको समझाऊंगा। उसके नेक्स्ट एल्गोरिदम में हम कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट सीक टाइम एल्गोरिदम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो यहाँ पर जो ड्रॉबैक है कि एक्सेस टाइम हमारे सीक टाइम जो ज्यादा लग रहा है उसको कैसे हम रिड्यूस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो एल्गोरिदम, ये पहला बेसिक एल्गोरिदम है जो 2 मार्क के लिए आपके क्वेश्चन में आता ही है बहुत मैक्सिमम टाइम। दिस इज वॉट ऑल अबाउट द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिक डिस्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। थैंक यू।